Namaste and welcome to Simple Learning. So let us understand about action research. Action research basically in BEd, fine. So in this particular presentation, हम जो पढ़ेंगे वो है review of related literature in action research report. So let us quickly see कि हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं इस presentation में. In this presentation, we are going to understand about action research क्या है, action research report in BEd exactly क्या है. Content of action research report in BEd that has to be done or written, and then we will be talking about review of related literature in action research report in BEd. तो BEd में review of related literature अगर action research report में लिखते हैं तो उसकी details हम देखेंगे and yes also एक sample भी देखेंगे. So with this let us start and begin to understand what exactly is action research in the coming slide. मीनिंग ऑफ एक्शन रिसर्च देखते हैं. एक्शन रिसर्च इज एन आर्ट ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन टू ऑब्टेन आंसर्स टू मीनिंगफुल क्वेश्चंस रेज्ड बाय द टीचर. तो इट इज अ टाइप ऑफ रिसर्च जहां पे एक्शन लेता है एक टीचर या फिर प्रिंसिपल या फिर इंस्टीट्यूशन में जो भी है, जिसको से फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम हो रही है डेली एग्जीक्यूशन से रिलेटेड, टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी से रिलेटेड, या फिर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर रहा है टीचर, या फिर कोई न्यू आइडिया को एग्जीक्यूट करना है, तो उसके लिए एक्चुअली एक्शन लिया जाता है इन द प्रोसेस ऑफ रिसर्च वेयर देयर इज एवरीथिंग इन्वॉल्व साइंटिफिक वे ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप बाय स्टेप डूइंग द वर्क एंड बेसिकली इट इज अ रिसर्च वेयर एक्शन इज बीन टेकिंग प्लेस एट अ वेरी स्मॉल स्केल. सो ये है एक्शन रिसर्च. अब हम समझते हैं एक्शन रिसर्च रिपोर्ट इन बीएड. ठीक है, तो बीएड में भी बीएड ट्रेनी टीचर्स को एक्शन रिसर्च करना होता है, और जब आपने एक्शन रिसर्च किया तो यू ऑल्सो हैव टू प्रिपेयर अ रिपोर्ट ऑन इट. सो एक्शन रिसर्च रिपोर्ट इन बीएड इज अ रिटन रिकॉर्ड प्रोवाइडिंग एविडेंसेस ऑफ ट्रेनी टीचर्स वर्क. तो ये कंप्लीट रिटन रिकॉर्ड है जिसमें डिटेल्स होती है कि ट्रेनी टीचर ने किस चीज के ऊपर एक्शन किया, किस तरह से उन्होंने रिसर्च किया एंड व्हाट वेयर द फाइंडिंग्स ऑफ दैट रिसर्च. So this is all about meaning of action research and action research report in BEd. In the coming slide, we will now discuss ki action research report in BEd mein basically kaun kaun se content hote hain. So let us go ahead. So here we will be seeing content to be written in action research report while doing BEd. Okay? Now again, once again, just to inform, these are the basic things which are required in the action research report by the ट्रेनी टीचर. और भी कुछ एडिशनल होगा तो मेक श्योर दैट एज पर द गाइडलाइंस ऑफ योर इंस्टीट्यूशन एंड योर गाइड यू डू इंक्लूड देम. ओके, सो लेट अस सी. वेरी फर्स्ट इट हैज टू बी द फर्स्ट पेज ऑफ योर एक्शन रिसर्च रिपोर्ट, देन इट इज सर्टिफिकेट पेज, और यू कैन ऑल्सो हैव स्टेटमेंट बाय द कैंडिडेट. एनी ऑफ दीज विल बी ओके. इफ इट इज बीन सेड कि दोनों लिखने हैं तो दोनों लिखिए. नेक्स्ट इट इज एक्नॉलेजमेंट, लिखिए आपके रिसर्च रिपोर्ट के अंदर. इंडेक्स इफ पॉसिबल डू राइट इट. इंट्रोडक्शन से शुरू करिए आपके जो भी वेरिएबल्स लिए हैं एक्शन रिसर्च से रिलेटेड, या जो भी आपका कंटेंट है प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करिए. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी, आपके एक्शन रिसर्च के जो भी दो तीन ऑब्जेक्टिव्स हैं वो मेंशन करिए. रैशनल ऑफ द स्टडी लिखिए कि व्हाट इज द नीड ऑफ डूइंग दिस एक्शन रिसर्च. रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, थोड़े बहुत रिव्यूज लिखिए आपके एक्शन रिसर्च के बेसिस पे. सैम्पल साइज कितना है, डेटा कलेक्शन टूल के लिए आपने क्या कौन सा टूल यूज किया है उसके बारे में डिटेल्स लिखिए. एक्शन रिपोर्टिंग दैट इज विच मेथोडोलॉजी एक्टिविटीज विच यू हैव कंडक्टेड. टाइम पीरियड ऑफ द स्टडी कितना लगा, बिकॉज इट इज एक्शन रिसर्च एंड दैट टू डन बाय अ ट्रेनी टीचर, तो कितना टाइम लगा आपको वो एक्शन करने में, यू नीड टू राइट इट. Then it is analysis of findings of the study. तो analysis करेंगे, findings निकालेंगे, table, charts, ये सारा चीज बनाने के बाद interpretations of the finding लिखना है आपको in your action research report. And yes, positive impact brought by you. ठीक है, कि आपने क्या positive impact brought लेके आए students के ऊपर while doing your action research. Then is practitioners experience and reflections. तो as a trainee teacher आपके क्या experiences और reflections है वो express करिए.
सजेशंस एंड इम्प्लीकेशंस ऑफ द स्टडी आप लिखिए, फिर लास्ट में रेफरेंसेस लिखिए, अपेंडाइसेस लिखिए, एवरीथिंग विच वेर यूज्ड बाय यू वो सारे अटैच करिए आपके यहाँ पे, एंड ऑल्सो एनी अदर डिटेल्स जो आपके इंस्टीट्यूशंस में बोली जाए वो आप मैंशन कर सकते हैं आपके एक्शन रिसर्च रिपोर्ट में. वंस अगेन दिस इज अ बेसिक आइडिया ऑफ एक्शन रिसर्च रिपोर्ट वाइल यू आर कंडक्टिंग इट एज अ ट्रेनी टीचर. ओके, आप बी एड में इस चीज को एक्शन रिसर्च कर रहे हैं और रिपोर्ट बना रहे हैं, दीज आर द बेसिक थिंग्स. ठीक है, इनमें से चेंजेस हो सकते हैं, इनमें से एडिशन हो सकते हैं एज पर द नीड ऑफ योर ओन इंस्टीट्यूशन. सो दैट्स ऑल रिलेटेड टू कंटेंट टू बी रिटन इन एक्शन रिसर्च रिपोर्ट इन बी एड. नाउ लेट अस कंटिन्यू विद आवर नेक्स्ट स्लाइड. सो लेट्स नाउ अंडरस्टैंड रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर एग्जैक्टली क्या है. सो ये वर्ड जो बना है रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, रिव्यू दैट मीन्स री एंड व्यू, दैट मीन्स लुक अगेन, फिर से हमें देखना है. एंड लिटरेचर एज वी ऑल नो रिपोर्ट्स ऑफ व्हाट अदर्स हैव डन इन अ रिलेटेड फील्ड. तो यहाँ पे आपको फिर से वो चीजें जो आपके कंटेंट या स्पेसिफिकली एक्शन रिसर्च से रिलेटेड है उसको फिर से देखना है जिन्होंने दूसरों ने उस एरिया में वर्क किया है. तो इट शुड नॉट बी कि एकदम आइडेंटिकल आपका वर्क और उनका वर्क हो, बट समवेयर सिमिलैरिटी, सम वेरिएबल्स में कुछ सिमिलैरिटी. सो दिस इज व्हाट इज कि अदर पीपल के जो वर्क है, जो लिटरेचर है, जो रिपोर्ट्स हैं, जो एक्शन उन्होंने लिया या जो फंडामेंटल स्टडी उन्होंने की, उसको आप पढ़ेंगे, उसको रिव्यू करेंगे ताकि आपके इसमें वो हेल्पफुल हो ड्यूरिंग योर एक्शन रिसर्च. ओके, सो दिस इज व्हाट इज कि रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर इज एन असेंशियल कंपोनेंट ऑफ एनी रिसर्च वर्क. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, इट विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड आर रिसर्च इन अ वेरी proper way we can say when we do review of related literature. Now basically talking about action research, though it is not mandatory in action research report, but it will be good few research reviews mentioned in the report. So it's not mandatory क्योंकि आप B.Ed level पे एक छोटा सा action research कर रहे हैं कि आपको जरूरी ही review करना है, but it will be actually good beneficial to you if you understand how to do review of related literature, which might be helpful in your later future life when you go for जब आप fundamental research के लिए जाओगे. ठीक है, तो action research report में if your institution says and you have been guided, you can put a review of related literature. So that's the general meaning की review of related literature क्या है. I hope you have understood. Let us continue further and understand review of related literature in detail. ओके, सो नाउ आफ्टर अंडरस्टैंडिंग कि रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर मतलब क्या है, सिंपल मीनिंग रिव्यू दैट मीन्स आपके कंटेंट से रिलेटेड या आपके टाइटल जो आप एक्शन रिसर्च कर रहे हैं उससे रिलेटेड दूसरे जो रिसर्चेस हो चुके हैं उसको आप पढ़ते हैं, समझते हैं और उसके बारे में रिपोर्ट लिखते हैं, इन वेरी ब्रीफ समराइज करते हैं. तो वो समरी में क्या होना चाहिए, लेट अस सी वन बाय वन. वेरी फर्स्ट इज प्रायर रिसर्चेस ऑन द टॉपिक. सो रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर में सबसे पहले आपके टॉपिक से रिलेटेड, आपके टाइटल ऑफ एक्शन रिसर्च से रिलेटेड आप ढूंढेंगे कि प्रायर रिसर्चेस कौन कौन से हो चुके हैं, आपके जो भी वेरिएबल्स हैं से फॉर एग्जाम्पल, तो वो वेरिएबल्स से रिलेटेड कौन कौन से रिसर्चेस ऑलरेडी हो चुके हैं उसके बारे में आप ढूंढेंगे. एंड देन relevant information that establishes the existence of your area of study. So you will now start writing or understanding by reading that review, by reading that literature jo bhi aapko mil raha hai which is related to your title of study, ki yes ye cheez ho chuki hai pehle aur mera kuch aisa isolated study nahi hai, this has been done, this area has been done but in some other aspect. तो मेरा स्टडी कहीं ना कहीं उसके पास बेस है. फाइन, कंटिन्यूएशन. थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑन द कॉन्सेप्ट बीइंग स्टडीड. तो आपको रिव्यू थ्रू रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर आपको ये भी मिलेगा कि कोई थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव भी है क्या आपके कंटेंट से, आपके
टाइटल या एक्शन रिसर्च से रिलेटेड. फाइन, अगर दूसरों के पास भी, से फॉर एग्जांपल इफ यू हैव समथिंग कॉल्ड एज यू आर स्टडिंग विद रिस्पेक्ट टू इमोशनल इंटेलिजेंस को डेवलप करना है आपके स्टूडेंट्स में थ्रू योर एक्शन रिसर्च, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल. ओके, तो यहाँ पे आपको रिव्यूज में मिलेगा, दूसरे रिसर्चर्स में मे बी कंप्लीट डिटेल अबाउट दैट इंफॉर्मेशन, दैट इमोशनल इंटेलिजेंस, ऑल्सो अ डिटेल थियोरी ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस बाय डैनियल गोलमैन एंड विद अदर एरियाज. सो दिस इज की आपके रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर के थ्रू यू गेट बेस समटाइम्स विद रिस्पेक्ट टू थियोरिटिकल परस्पेक्टिव ऑल्सो. Continuation, methodology sample tools used in the prior studies. So through review of related literature, आपको और क्या चीज मिलेगी कि वो दूसरे जो researches हुए हैं वो कैसे हुए हैं, वो experimental research थे, वो fundamental research थे, वो action research थे, उसमें sample क्या था, data collection किस तरह से हुआ था, tool जो use किया गया था to collect data वो कौन सा था, ये सारी information you can gather. Okay. And the last one, findings and interpretation of the study. तो overall findings and interpretation क्या है उसके बारे में भी आपको पता पड़ेगा. And these things you can put it in your review of related literature when you are going to write in your action research report. Fine. So overall through this what we have understood is कि review of related literature exactly में क्या क्या देता है हमें, और वो सारी चीजों से हमें एक बेस मिलता है हमारी एक्शन रिसर्च रिपोर्ट अच्छे से करने का. फाइन, एंड ऑल्सो हमें ये सारी चीजें बेसिकली लिखनी होती हैं, एंड विल बी सीन कि क्या क्या चीजें किस तरह से लिख सकते हैं आफ्टर डूइंग अ रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर. फाइन, एंड यस यू कैन ऑल्सो राइट अबाउट द नेम ऑफ द रिसर्चर, किसने किया है, फिर पब्लिकेशन की डिटेल्स, ईयर ऑफ पब्लिकेशन, ये सारी चीजें भी आप डाल सकते हैं इन दी रेफरेंसेस. फाइन, विल बी सीइंग अबाउट दैट. Let's continue and understand the further part of review of related literature. Okay, so now we will be talking about review of related literature का purpose क्या है, basically ये कि क्यों need है, क्यों करते हैं review of related literature. Now this will be a general purpose, not exactly limited to action research, पर तुरंत quickly देखते हैं कि क्या purpose है. Very first is It assists to identify researches similar to your research. तो आपका research area, आपके जो aspects हैं, आपके जो main headings हैं, उनसे related या variables से related और कौन कौन से researches हुई है, India में हुई है, abroad में हुई है, किन किन लोगों ने की है, वो आपको पता पड़ता है when we do review of related literature. Second point, helps to identify the theoretical perspective or sources of data. सो हमें बहुत सारी चीजें नहीं पता है, वी हैव जस्ट नाउ थॉट ऑफ कि अच्छा ये टाइटल के अंडर करेंगे, इस एरिया में करेंगे, तो हमें बहुत सारी चीजें नहीं पता है. तो थ्रू रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर वी कैन कम टू नो कि कौन कौन से थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव हैं इस पर्टिकुलर स्टडी से रिलेटेड या इस पर्टिकुलर वेरिएबल से रिलेटेड, ऑल्सो मेथोडोलॉजीज कैसी है, डेटा कलेक्शन कैसे किया है. तो हमें न्यू आइडियाज भी मिलते हैं व्हेन वी डू रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, तो न्यू आइडियाज व्हिच वी कैन यूज इन आवर ओन स्टडी. नेक्स्ट पॉइंट, नो अबाउट द सिग्निफिकेंट एक्सपर्ट्स इन द फील्ड ऑफ रिसर्च. तो रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर जब हम करते हैं तो बहुत सारे रिव्यूज करते हैं थ्रू बुक्स, जर्नल्स, वी कैन ऑल्सो गो टू वेरियस वेबसाइट्स एंड वेरियस अदर प्लेटफॉर्म्स टू फाइंड आउट कि हमारे एस्पेक्ट या हमारे स्टडी से रिलेटेड और कहाँ पे किन किन लोगों ने स्टडी की है. तो वी कैन कम अक्रॉस वेरियस एक्सपर्ट्स जिन्होंने बहुत ज़्यादा इनडेप स्टडी की है उस एरिया में से. फॉर एग्जांपल क्लासरूम डिसिप्लिन से रिलेटेड कोई एक पर्टिकुलर ऐसा एक्सपर्ट, थ्रू रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर आपको पता पड़ेगा कि द पर्सन हैज़ डन लॉट ऑफ स्टडी एंड हैव रिटन नंबर ऑफ आर्टिकल्स रिलेटेड टू दैट क्लासरूम डिसिप्लिन. So this is what we can get through review of related literature and in-depth understanding hoti hai hamare content ya hamare topic of review research se related. Assist in identifying standardized tool available. To bahut sare standardized tools available hote hain har particular area ki study pe zyada tar. It can be paid, it can be free of cost. To
रिसर्चर कैन फाइंड आउट कि कौन से स्टैंडर्डाइज टूल है, तो वो वापस से फिर से वो टूल बनाने में मेहनत नहीं करे, रादर अदर एरिया में मेहनत करे. तो स्टैंडर्डाइज टूल अवेलेबल है कि नहीं है, एंड वो स्टैंडर्डाइज टूल अगर आपकी स्टडी से रिलेटेड है तो हाउ टू मेक यूज ऑफ दो स्टैंडर्डाइज टूल टिल द एनालिसिस पार्ट. ये सारी चीजें आपको थ्रू रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत पता पड़ती है. Let us continue. Provide framework to interpret the findings of your studies, so which we have seen earlier also. कि review of related literature, जब आप एक किसी की study पढ़ते हैं तो उसकी findings भी surely पढ़ेंगे. So you come across कि अच्छा उसके उसमें ये findings आए. So when you do your research and finally जब आप findings लिखते हैं तो you can actually relate those findings with you. You can actually also talk about कि ये सभी researches में देखा गया है कि ये एरियाज में रिसर्च हुई है, पर वहाँ पे कौन सा गैप है जो आपने देखा और उस गैप को फिलफिल करने के लिए आप आपकी स्टडी कर रहे हो. देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स व्हिच कैन बी हेल्पफुल व्हेन यू रीड एंड अंडरस्टैंड इन द फाइंडिंग्स ऑफ द स्टडीज ऑफ द रिलेटेड लिटरेचर. सो ये फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है फाइंडिंग्स ऑफ द स्टडी ऑफ रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर हमारी खुद की स्टडी के लिए. फाइनली enables you to approach the topic more competently. Now we need to understand कि initial stage पे we are still struggling to understand our own topic, कि हमारा title क्या होगा, objectives of study क्या होगा, हमको किस तरह से इसको करना है. तो when we do review, we understand कि अच्छा ये methodology होगी, इस तरह से data collection होगा, ये sample होगा and various other things. So review of related literature actually broadens our horizon या ideas देता है अलग अलग तरह से हम हमारी study को और कैसे अच्छा बना सकते हैं. So this is all about review of related literature purpose कि क्यों हम review of related literature करते हैं when we do our research. Let us continue with respect to our action research review of related literature. And the coming slide. Okay, so now let us discuss कि writing of review of related literature in action research report में क्या-क्या चीजें important हैं. So let's see one by one. Very first is author name. So आपको सबसे पहले author का name लिखना है. Do not write if they have done doctorate or PhD. You just have to write their name. There are different ways to write their name, और वो आपको APA स्टाइल पे ज़्यादातर बोलते हैं लिखने के लिए. यू विल अंडरस्टैंड. एक आपको सैम्पल दिखा दूंगी जब हम सैम्पल से रिलेटेड डिस्कस कर रहे हैं. देन इज यस, किस ईयर में वो स्टडी हुई थी वो आपको लिखना है. एंड अरेंज योर रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. तो एज पर द ईयर दैट इज की स्टडी जब हुई उस हिसाब से आपको करना है. तो सबसे पुराना से लेके न्यू लेटेस्ट स्टडी की उधर शुरू करिए. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर 2029 का है, सॉरी 2010 का आर्टिकल है, एंड देन यू ऑल्सो हैव रिव्यू डन ऑफ 2012. तो पहले 10 लिखिए, 10 के बारे में लिखिए, एंड देन द नेक्स्ट वन 2012. ऑल्सो अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. नाउ समटाइम्स इट हैपन्स कि सेम ईयर की स्टडीज आपने पढ़ी है, ठीक है, जो आपके रिव्यू में लिखेंगे. तो आप क्या करेंगे कि ईयर तो सेम है, तो यू नो चेंज, बट यस द नेम ऑफ द ऑथर. ज़्यादातर रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर ऑथर के नाम से शुरू होता है, तो उनके नाम के हिसाब से अल्फाबेटिकल ऑर्डर से आप लिखिए. आई होप दिस इज क्लियर. नेक्स्ट इज क्लासीफाई द स्टडीज इन टू रिसर्च इज कंडक्टेड इन इंडिया एंड रिसर्च इज कंडक्टेड अब्रॉड. तो इन एक्शन रिसर्च रिपोर्ट इट इज़ नॉट नेसेसरी यूजली, पर हाँ अगर बाय चांस आपको ऐसा करने का मन है तो आप उसको क्लासिफाई कर सकते हो कि इंडिया के रिव्यूज कौन कौन से किए हैं, इंडियन रिव्यूज, और अपार्ट फ्रॉम इंडिया अदर कंट्रीज के रिव्यूज कौन कौन से हैं रिलेटेड टू योर स्टडी, फाइन, विच यू हैव डन. नेक्स्ट इज क्लासिफाई एज पर द वेरिएबल्स ऑफ द स्टडी. सो अपार्ट फ्रॉम द प्लेस यू कैन ऑल्सो हैव क्लासिफिकेशन अंडर रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर एज पर योर एरिया ऑफ स्टडी या वेरिएबल्स. फॉर एग्जाम्पल आपने अकेडमिक अचीवमेंट एंड स्टडी हैबिट्स के ऊपर कुछ रिसर्च कर रहे हैं, तो आप अकेडमिक अचीवमेंट के अंदर जो भी
लिटरेचर रिव्यू किए हैं वो लिख सकते हो, एंड देन स्टडी हैबिट्स से रिलेटेड लिटरेचर रिव्यू जो किए हैं वो उसके अंडर लिख सकते हैं. सो इन दिस वे ऑल्सो यू कैन क्लासीफाई योर रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर विच यू हैव डन. रिव्यू एंड समराइज द स्टडी करेक्टली. द बेसिक थॉट इज कि आप प्रॉपरली रिव्यू करें जो भी आप लिटरेचर पढ़ रहे हैं, ठीक है. इट हैज़ टू बी समराइज प्रॉपरली. ऐसे नहीं कि आपने सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट पढ़ लिया और एब्स्ट्रैक्ट से ही आपने रिव्यू बना लिया. दिस शुड नॉट बी डन. रादर यू नीड टू चेक इट आउट द होल स्टडी एटलीस्ट टू अंडरस्टैंड द डिटेल्स अबाउट द स्टडी विच इज समवेयर रिलेटेड टू योर स्टडी. फाइन. एंड द लास्ट वन, रिलेट द रिव्यूज रिटन विथ योर रिसर्च. सो वेन यू आर राइटिंग डू रिलेट योर रिव्यूज, ठीक है. जब आप अपना रिसर्च कंप्लीट, फाइंडिंग्स कंप्लीट कर रहे हैं वहाँ पे रिलेट कर सकते हैं. जब आप ओवरऑल कंक्लूड कर रहे हैं इन द रिव्यू वहाँ पे कंक्लूजन दे सकते हैं कि ये रिव्यू हुए हैं और ये वाले रिव्यूज से पता पड़ा है कि इन इन एरियाज में स्टडी हुई है. एंड एक प्रॉपर कंक्लूजन दीजिए जहाँ पे आप रिलेट कर सकते हैं जितने भी आपने रिव्यूज़ किए हैं उससे. There are times under fundamental research, people make a proper graphical presentation of review of related literature where they can show, where actually they show the methodology of study or कौन कौन सी methodology सभी reviews में थी, किन किन area में study थी जो आपकी related study से कहीं ना कहीं connected है, and also the gaps of the study. ये भी इस तरह से present करते हैं, but not in action research report. आपको इतना detail में जाने की ज़रूरत नहीं है. Simple reviews भी आप लिख सकते हैं, which we are going to see in the coming slide. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Now we'll be talking about sample of review of related literature of action research report in B.Ed. So B.Ed में किस तरह से review of related literature आप लिख सकते हो in your action research report. Let us quickly see. Fine. So very first I'm going to display this particular part, that is review of related literature. Now for this I may require this highlighter. I think you can see this. Fine. So ye just general introduction hai. This particular paragraph shows an introduction of review of related literature. This you can get from any of the research books. Aapki library mein hogi research se related books. वो बुक्स को रेफर करके आप ले सकते हैं. फाइन. देन स्टडीज कंडक्टेड ऑन NEP 2020. सो इफ यू हैव सीन माय अर्लियर एक्शन रिसर्च प्रेजेंटेशंस, तो मेरा जो एक्शन रिसर्च है NEP 2020 के ऊपर है. तो मैंने उसके ऊपर जो भी स्टडीज कंडक्ट की है किसी और ने, उनकी रिव्यू किया है, उनके लिटरेचर का रिव्यू किया है जो मैंने अपने इस एक्शन रिसर्च में डाला है कि मैंने इनके बारे में पढ़ा है. फाइन. सो इफ यू सी द नेम ऑफ द ऑथर और द रिसर्चर, उन्होंने किस तरह से किया, उनका टाइटल क्या था, कितने लोगों के ऊपर किया और उनका फाइनल कंक्लूजन क्या था, तो ये सारी चीजें हमने अपने इस रिव्यू में डाली है. फाइन. सेम गोज नेक्स्ट स्टडी विच इज बिन डन, किसने की, किस ईयर में की, बिकॉज ईयर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, एंड द अदर डिटेल्स. फाइन. एंड द नेक्स्ट स्टडी, इफ यू सी 2021 2021, तो दोनों का 2021 ईयर है, सेम ईयर है. सो नाउ अल्फाबेटिकली अरेंज किया है, के फर्स्ट लिखा है एंड वी वाला नेक्स्ट स्टडी उनके बाद लिखा है. नेशन, एंड दिस इज ऑल्सो द स्टडी. सो दिस इज ओवरऑल फोर रिसर्च रिव्यूज आई हैव डन बिकॉज दिस इज माई एक्शन रिसर्च. ठीक है, तो एक्शन रिसर्च में अकॉर्डिंग टू माई अंडरस्टैंडिंग आप ये चार रिव्यूज भी करते हैं, चार पांच या थोड़ा छह ले लीजिए, दैट इज सफिशियंट एज पर योर रिक्वायरमेंट. एंड यस, आप आपकी गाइडेंस जो भी गाइड कर रहे हैं आपके रिसर्च को, एक्शन रिसर्च को, फॉलो द गाइडलाइंस एंड अकॉर्डिंगली यू कैन डू द रिव्यू. एंड इफ यू सी द लास्ट वन, दिस इज हाउ यू नीड टू कंक्लूड योर रिव्यू. ठीक है, एंड दिस विल हेल्प यू टू कनेक्ट द रिव्यूज विच यू हैव डन with your study. So ये थोड़ा सा conclusion अगर आप लिखेंगे so that will be good. So this is overall review of related literature के बारे में कि ये जो है action research report जो B.Ed में आप बनाते हैं, तो आप इस तरह से जो भी आपने reviews किए हैं उनको short में लिख सकते हैं. See there are different ways to write. हाँ, this is how I know and I understand, that is how what I have written. Okay, there is no something called as any rigidity to be followed. Now I feel that as per our understanding we can present our reviews in a proper way.
बट बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ एज इट इज पैराग्राफ अवॉइड टेकिंग, डोंट टेक द कंप्लीट एब्स्ट्रैक्ट ऑफ दैट लिटरेचर. आपको आपके व्यू पॉइंट से, आपके मन से उसको समराइज करना है, अच्छे से उसको समराइज करना है खुद से. फाइन, सो दिस इज रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर. और यस, ये रिलेटेड लिटरेचर आपको कहाँ से मिला उसको रेफरेंसेस में लिखना नहीं भूलेंगे आप. तो रेफरेंसेस में कैसे लिखेंगे? नाउ दिस इज व्हाट इज अगेन एन एग्जांपल. सो दिस इज अगेन एन एग्जांपल कि आप किस तरह से रेफरेंसेस लिखेंगे. सो फोर रिव्यूज किए थे और इस तरह के रेफरेंसेस में आप लिख सकते हैं. नाउ दिस रेफरेंसेस आर यूजुअली अरेंज एज पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर. फाइन, सो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप ईयर वाइज रेफरेंसेस लिखें. द अदर रेफरेंसेज विच आर नॉट हाईलाइटेड आर द नेम्स ऑफ द बुक्स एंड ऑल. सो दिस इज हाउ यू कैन फॉलो. आप APA स्टाइल करके डालेंगे गूगल पे तो भी आपको पता पड़ जाएगा कि किस तरह से आप रेफरेंसेस लिख सकते हैं. So that's all related to the sample of review of related literature. Let us now continue and understand कि ये reviews हम कहाँ से कर सकते हैं. So review of related literature sources. So few of the sources through which we can do review of related literature. हम अपने study से related और किन लोगों ने उसी से related study की है वो कहाँ से मिलेगा हमें? इन सभी जगहों से मिलेगा. वेरी फर्स्ट इज न्यूज़पेपर्स. यस, आपको करंट इन्फॉर्मेशन न्यूज़पेपर्स से मिलती है. एंड समवेयर अगर आपको कोई आर्टिकल मिल गया विच इज समवेयर रिलेटेड टू स्टडी, कुछ थियोरेटिकल परस्पेक्टिव दे रहा है, यू कैन टेक हेल्प ऑफ न्यूज़पेपर्स. देन इज बुक्स. देर आर नंबर ऑफ बुक्स अवेलेबल. देर आर एनसाइक्लोपीडियाज जिससे आपको डिटेल ऑफ दैट पर्टिकुलर कंटेंट मिल सकता है और स्टडी मिल सकता है. देर आर नंबर ऑफ जर्नल्स विच पब्लिश वेरियस आर्टिकल्स और रिसर्चेस उस एरिया में. जो एरिया में आपने किया है तो वो जर्नल्स को आप रेफर कर सकते हैं. आप डिजर्टेशंस, मास्टर लेवल के डिजर्टेशंस जाके लाइब्रेरी में जाके चेक कर सकते हैं. आपकी लाइब्रेरी में हो तो अच्छी बात है, या फिर यूनिवर्सिटीज़ की लाइब्रेरी में मास्टर लेवल के डिजर्टेशंस होते हैं, यू कैन चेक. एंड आपकी स्टडी से रिलेटेड है देन यू कैन रेफर टू दोस लिटरेचर्स. देन इज यस थीसिस. देर आर नंबर ऑफ थीसिस अवेलेबल अगेन इन द यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज. लाइब्रेरीज फंडामेंटल रिसर्च के ऊपर, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज के ऊपर एंड मिक्सड मेथड स्टडीज के ऊपर, क्वान्टिटेटिव क्वालिटेटिव स्टडीज के ऊपर. अगर कहीं ना कहीं आपके रिसर्च से रिलेटेड है, एक्शन रिसर्च से रिलेटेड, देन यस दैट कैन बी अ सोर्स ऑफ योर रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर. यू कैन ऑल्सो सर्वे ऑफ एजुकेशनल रिसर्चेज दैट इज मेजर माइनर रिसर्चेज करता है. NCERT, various regional institute of education and other major institutions, तो उनके reports भी आप आपके review of related literature में use कर सकते हैं, again if it is related to your study. Then is yes, surely websites use कर सकते हैं. And now there are various other sources जहाँ पे आप by using internet you can actually find out the studies related to your title. Fine. So just take care कि जो भी studies आप ले रहे हैं, जो भी journals ले रहे हैं, वो recognized journals हो. वो say for example ISBN number हो, ISSN number हो, and also reliable sources की study हो. ऐसे ही नहीं कि कुछ भी आपने कहीं से मिल गया और आपको source ही नहीं पता है कि वो valid भी है कि नहीं है या reliable है कि नहीं. Fine. So make sure that you write the references correctly. You first find out the exact review. Read it properly and put it in your report in a proper specific way, and also do mention the references under references. Fine. So that's all related to review of related sources. Now let us now wind up this particular whole presentation. Okay, so now let us summarize. Humne kya kya padha? In this presentation, we have studied about the meaning of action research, meaning of action research report in BEd, and various content which has to be there in action research report of BEd. We discussed in detail ki review of related literature kya hai, and action research report BEd ke andar agar hum likhte hain to wo kis tarah se likhte hain through a sample. I hope you must have understood. Let us now conclude. Thus, after understanding about the review of related literature in the action research report specifically related to BEd, let's discuss about data collection tools and sample in the coming video. So in the coming video, we'll be talking about data collection tools and sample and how it has to be written in the action research report of BEd. Fine.
सो टिल देन थैंक यू एंड नमस्कार. आई होप आपको ये कंटेंट समझ में आया होगा. थैंक यू.